नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या सामने आती है कि आपके जो पौधा होता है टमाटर का, उसके टॉप में जो है इस तरह का येलो येलो सा, और पौधा ऊपर से जो है सिकुड़ जाता है, जो बिल्कुल छोटी होती है टमाटर के पौधे की, वहाँ से उस सिकुड़ जाता है इस तरह से, थोड़ा और येलो येलो सा और थोड़ा वहाँ पर काला काला सा नज़र आने लगता है। तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि क्या चीज़ है। हालांकि सबके साथ ही नहीं होता है, कुछ खेतों में नहीं भी लगता और कुछ खेतों में लगता है। तो इससे जो है टमाटर की ग्रोथ नहीं होती बिल्कुल भी, और टमाटर जो है उतनी की हाइट पे उतनी रह जाता है और उसमें अच्छे से ग्रोथ नहीं होती, ना उसमें फ्रूट लग पाता अच्छे से, अगर इसका टाइमली समाधान ना किया जाए। तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता, बहुत सारे ये समझते हैं कि कोई बीमारी है, पीलापन आ रहा है तो बीमारी है एकदम से ऊपर से। जैसे ये होता है कि एकदम से झुलस जैसा जाता है, सिकुड़ जैसा जाता है ऊपर से चोटी जो होती है टमाटर की, तो ये कोई बीमारी नहीं है। इसमें जो है आपका कीट लगा होता है, सुंडी जिसे कहते हैं हम, वो लगी होती है। हालांकि उसका पता नहीं चलता, सुंडी हल्की स्प्रे से वो मरती भी नहीं है, जो आप लाइट स्प्रे करते हैं उससे सुंडी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो सुंडी हालांकि बाहर होगी वही मरेगी कुछ एक, और जो सुंडी जो है पत्तों के अंदर या इस तरह से चोटी के अंदर जो है इस तरह से एक जाला सा बुना होता है उसके अंदर रहती है, तो वो दिखती भी नहीं है और ना ही उसे जो है स्प्रे का इतना कीटनाशक का कोई इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए आपको जो है सिस्टमिक फंगीसाइड्स का इस्तेमाल, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना होता है जिससे कि ये मर सके। और उसका जो स्प्रे होती है, और जो हैवी थोड़ी स्प्रे होती है, कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हैं इसमें, तो उनका जो आपको स्प्रे करनी होती है वो दिन में करनी होती है, धूप जब होती है उसमें ये जो है बड़ी आसानी से मर जाती है। और अगर आपकी स्प्रे करने के 4-5 घंटों तक अगर बारिश हो जाती है तो दोबारा आपकी सुंडी नहीं मरेगी। और इसका आप देख सकते हैं सुंडी किस तरह से इसके अंदर छुपी बैठी होती है और नज़र भी नहीं आती, जैसा वो खाती है वैसे ही सेम उसका कलर हो जाता है। हरा खाती है तो हरा हो जाता है, पीली खाती है तो पीला रंग में वो जो है चेंज हो जाती है, सेम कलर में हो जाती है। अगर टमाटर में लग जाती है तो लाल रंग की होती है, तो लाल रंग का टमाटर खाती है तो वैसे ही हो जाती है सेम टू सेम, उसमें आपको खासी दिक्कत आती है और इससे आपको भारी नुकसान हो जाता है अगर इसका टाइमली जो है इलाज ना किया जाए। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो ही समाप्त करता हूँ। अपने अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल सुझाव रह जाता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।